आप सोच रहे होंगे सर आज इन सीटों से क्या करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा गणित पढ़ाने का केवल एक उद्देश्य है, गणित को सरल और रोचक बनाना। आज हम एक गणित की नई अवधारणा शुरू करेंगे। क्या है वो नई अवधारणा, आइए इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं। देखो, मैंने इस हरे कागज को बीचों बीच मोड़ दिया। मोड़ने के बाद मैंने इसको सीधा कर दिया। अब इन आकृतियों को ध्यान से देखें। देखो, ये जैसी यहाँ वैसी ही यहाँ दिखाई देती है, दोनों एक जैसी आकार दिखाई देंगे। इस त्रिभुज के देखो, जैसी आकार यहाँ है वैसा ही आकार आपको यहाँ दिखाई देगा। परंतु इस नीचे वाले त्रिभुज के देखो, मैंने मोड़ने पर ये जब इसको खोला तो इसको क्या ये सेम आकार हैं दोनों? ये दोनों अलग अलग आकार हैं। कैसे आकार हैं दोनों? ये अलग अलग आकार। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि हमारे पास आकृतियाँ कैसी दिखाई देती हैं, क्या यह एक जैसी दिखती हैं। देखें, देखो मेरे पास ये सीट है, इसको मैंने मोड़ दिया, यहाँ पर मोड़ने पर खोला मैंने, क्या दोनों एक जैसी हैं? आप खुलता हूँ, इसमें दोनों एक जैसी हैं। कुछ आकृतियाँ एक जैसी दिखाई देती हैं, कुछ आकृतियाँ एक जैसी दिखाई नहीं देती। चलिए इन कुछ आकृतियों को हम देखते हैं शीशे की सहायता से। चलिए ये देखो, कैसी दिखाई देती है आपको यह आकृति? अगर मैं शीशे को हटा दूँ तब भी ऐसी ही दिखाई देती है, और मैंने शीशा रख दिया तब भी बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है, सेम दिखाई देती है ना, और ये हटाने पर भी ऐसी दिखाई देती है। चलो इसको देखो, इस आकृति को देखो, ये भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये मैंने शीशा लगा दिया यहाँ पर, अब आपको सेम दिखाई दे रही है ना शीशे में, और ये हटा दिया अब भी सेम दिखाई दे रही है। अब इस आकृति को देखो, देखो अब कैसी दिखाई दे रही है आपको, और ये अब कैसी दिखाई दे रही है? क्या आपको इन दोनों में कुछ अंतर समझ में आया? क्या आपको कुछ अंतर नज़र आता है प्यारे बच्चों? आज हमारा यही है, क्या यह एक जैसा दिखता है? शीशे में देखने पर जब हम इस आकृति के बीच में ये शीशा रख देते हैं तो क्या हमें दूसरे वाला चित्र एक जैसा दिखाई देता है? देखो मैंने यहाँ पर रखा है चित्र, ये देखो, ये पीले वाला दिखाई देता है ना आपको, और क्या ये अब एक जैसा है? नहीं है ना। इसमें देखो, और ये देखो, ये भी अलग अलग है। और देखते हैं, चलो इसमें देखो, अब भी सेम है। तो कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनको दर्पण में देखने पर वैसी ही दिखाई देती हैं। जैसी वो आकार इधर है वैसा ही आकार इधर बनता है, जैसी आकृति इधर है वैसी ही आकृति इधर बनती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम बीच में दर्पण रख दें तो ये अलग आकृति बनेगी। चलो अंग्रेजी के अक्षरों में देखिए, आप इधर देखिए, एच पे देखिए आप, जैसे एच इधर है ऐसा ही एच आपको दिखाई देगा दर्पण में भी। ये वाई देखिए आप, वाई भी ऐसे दिखाई देता है। अब एस देखिए, ये देखो ध्यान से देखना यहाँ पे आप, क्या आपको एस भी ऐसा दिखाई देता है? देखो दर्पण में कैसे दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है कुछ। इसमें मुंह इधर खुला हुआ है और दर्पण में मुंह इधर खुल जाता है। इसमें देखिए आप, क्या यह ऐसा ही दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। अब पी को देखिए आप, देखो ध्यान से देखने पर पता चलेगा आपको कि पी भी वैसा दिखाई नहीं देगा आपको। आई देखना, आई ऐसा ही दिखाई देता है। एफ देखना, एफ भी वैसा ही दिखाई नहीं देता। कुछ आकृतियाँ दर्पण में देखने पर वैसे की वैसे दिखाई देती हैं और दूसरी आकृतियाँ वैसी दिखाई नहीं देती। अब आओ बच्चों, आईने के साथ कुछ पैटर्न बना के देखते हैं। यहाँ हमने आईना रखा बीच में, ये देखो, ये जो अक्ष है, ये जो किताब में अक्ष दिया गया है, इसको हम सममित अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हम सममित अक्ष। इसी प्रकार से देखिए आप, यहाँ पर देखिए, ये अगर हम यहाँ आईना रखते हैं, देखो क्या ये सही है हमारा, ये गलत बन गया, ये अलग अलग है। देखो यहाँ से देखो और ये डिज़ाइन अलग है, जबकि दूसरे डिज़ाइन देखो आप, ये भी गलत है। चलो आईने से कुछ और खेल खेलते हैं। देखो ये ऐसा आईना, यहाँ आईना रख के देखते हैं, इधर से देखिए, ये देखो बन गया ना बिल्कुल सही। यहाँ आईना रखने से ऐसा चित्र हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप आईने के माध्यम से अन्य चित्र आप बना सकते हैं। मैं आपको किस प्रकार से चित्र आपने बनाने हैं अभी वो सिखाऊंगा। आओ बच्चों, अब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाना सीखें। देखते हैं,
चलिए शुरू करते हैं। तो इसको कैसे देखा आपने? देखा अभी देखा दर्पण में रख के क्या होता है, ये वाला बिंदु दर्पण में यहाँ चला जाता है, ये वाला सिरा यहाँ आता है और ये वाला सिरा यहाँ आता है। इस प्रकार से ये एरो आपका ये वाला सिरा दूर चला जाता है, ऐसे बन कुछ आकृति में ऐसा दिखाई देगा। और ये बी कैसा दिखाई देगा? ये वाली लाइन तो इधर आएगी और जो ये वाली गोलाई है हमारी, ये वाली गोलाई कुछ ऐसे आएगी, इस प्रकार से बनेगी। और ये वाला कैसे बनेगा? जो ये वाला तीर है यहाँ से ऐसे निकलेगा ऐसे, और ये ऊपर वाला ऐसे कैसे हमारा करेगा। सी में कैसे होगा? जो ये वाला गोलाई ऐसे चली जाएगी, सी हमारा ऐसे बनेगी सी। इसमें डी कैसे बनेगा आपका? डी में भी सीधा इधर चला जाएगा और ये गोलाई जो है ना हमारी ये ऐसे। इस तरह से ऐप आपने अंदाज़ा लगाना है, ऐप आपका ये। अब आप समझ ही गए हैं ये किस प्रकार से बनेगी। एम देखना, एम ऐसे कैसे रहेगा? क्योंकि ये वाले यहाँ आएगा, फिर ये बीच वाली लाइन यहाँ, फिर ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ। ये आई भी ऐसे कैसे रहेगी? बोलिए सेम रहेगी आई भी। एम देखना, एम देखते हैं एक बार, ये वाला बिंदु यहाँ आएगा, ये वाली लाइन यहाँ आएगी और ये वाली वहाँ चली जाएगी, ये वाली कहाँ जाएगी? ये वाली यहाँ जाएगी। ये एन ऐसे बनेगा, एन कैसे बनेगा? क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा। तो एन दर्पण में सेम नहीं बनता। चलो एक बार दर्पण के साथ देखते हैं इसको। ये देखो दर्पण में दिखाओ, ये देखो ये एन ऐसे उल्टा बना ना, मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया। ये दोबारा देख लीजिए, ये ऐसे और ये भी ऐसे। इस प्रकार से आपने समझना है, जो वस्तु दर्पण की बिल्कुल नज़दीक होती है वो नज़दीक ही आती है और जो दूर होती है वो दूर जाती है। यू बिल्कुल सेम बनेगा आपका ऐसे और आर उल्टा बनेगा। चलो अंक में देखते हैं हम। अंक में जो हमारा एक है तो एक बिल्कुल कैसे बनेगा? ये वाला उधर चला जाएगा हिस्सा, ये ऐसे बनेगा कुछ। चलो देखते हैं एक बार कैसे बनता है, दर्पण में देखते हैं। ये देखो मैंने बताया था ना आपको, ये वाला हिस्सा उधर, ये देखो ऐसे जा रहा है ना, यहीं से आपने करके देखना है। इसमें दो में कैसे करेंगे? ये वाला हिस्सा जो ये नज़दीक वाला हिस्सा नज़दीक ही आएगा, ये दूर जाएगा ऐसे बनेगा हमारा। ये इधर से गोलाई आएगी ऐसे और ये ऐसे बनेगा दो। चलो एक बार दर्पण में देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार तीन हमारा कैसे बनेगा? इसका मुंह इधर खुला है ना, तो ये गोलाई इस मुंह उधर खुला होगा। इसमें चार पाँच छः सात आप खुद कर सकते हैं, खुद करने की कोशिश आप करें। छः भी इसमें उल्टा बनेगा और सात सात भी बिल्कुल अलग बनेगा। आठ ऐसा कैसे बनेगा हमारा? जैसा ये है आठ, आठ बिल्कुल ही ऐसे कैसा हमारा दर्पण में भी रहेगा। बाकी सभी अंक हमारे बदल जाएंगे जबकि आठ हमारा ऐसे कैसे रहेगा। इस प्रकार से आप दर्पण इमेज के माध्यम से अपनी किताब के क्वेश्चन करें। धन्यवाद।